अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी यूट्यूब फैमिली? ठीक है माशाल्लाह। आज का व्लॉग शुरू करते हैं ड्यूटी टाइम से। ये माशाल्लाह भाई, ये बिल्डिंग का प्लिंथ बीम है, इसको पेंट करेंगे अभी। ये जिधर जिधर क्रैक है उधर पहले पुट्टी भरेंगे, सफाई करके पुट्टी भर के उसके बाद इसके ड्राई होने के बाद पेपर मार के सैंड पेपर, उसके बाद फिर पेंट करेंगे। ये बिल्डिंग का प्लिंथ बीम है। ये चिड़िया गर्मी की वजह से नीचे गिर गई है, देख सकते हैं आप। डब्लू भाई इसको पानी पिलाया है। डब्लू भाई उठाओ ना, उठाओ इसको, दिखाओ ना किधर कोट टूटा। ये टूट गया है ना, इसको हॉर्न भी निकल रहा है, आप देख सकते हैं। अभी ये बिल्डिंग के साइड पे नीचे बीम के नीचे इधर सिलिकॉन भरेंगे, क्योंकि ये जितना डैमेज सिलिकॉन था ना उसको निकाल दिया है, अभी नया सिलिकॉन भरेंगे। देख सकते हैं आप, ये डैमेज वाला निकाल के फिर इसको नया सिलिकॉन भरेंगे। अभी ये भाई मास्किंग टेप लगाएगा, मास्किंग टेप लगाने के बाद फिर सिलिकॉन भरेगा, क्योंकि इधर भी मास्किंग टेप रहेगा, इधर भी और इधर भी, फिर इधर साइडों पे सिलिकॉन नहीं लगेगी। ये दोनों तरफ टेप लगा दिया, इसके बाद फिर ये सिलिकॉन भरेगा इसका, ये जो गैप है ना गैप के अंदर। ये आप देख सकते हैं जिधर से बिल्डिंग स्टार्ट हुई है उधर से इधर तक ये पुट्टी का काम हो गया। माशाल्लाह ये चांद का डिजाइन देखें कितना प्यारा है, ये देखें फ्लावर माशाल्लाह। ये अभी ईद की तैयारी चल रही है, ये ईद मुबारक का साइन बोर्ड लगा रहे हैं माशाल्लाह। रमजान मुबारक का इवेंट फिनिश हो गया तो अभी ईद मुबारक के बोर्ड लग रहे हैं। ये भाई माशाल्लाह ग्रास को पानी लगा रहा है। ये माशाल्लाह लकड़ी का सोफा बनाया है, अभी ये इसको पेंट कर रहे हैं। अभी एक कोट पेंट हुआ है, जब दूसरा कोट पेंट होगा तो माशाल्लाह इसकी लुक जो है बहुत ब्यूटीफुल आएगी। ये दोनों जो भाई हैं ये बांग्लादेशी हैं। ये माशाल्लाह इधर काम चल रहा है, एक और सोफ़ा बनाएंगे, उसके लिए लकड़ी काट रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं। हाँ जी माशाल्लाह, अभी हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं जिधर स्कैफोल्डिंग फिक्स कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये स्कैफोल्डिंग है जो उधर फिक्स करनी है दूसरी जगह, हम वो भी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, ये सोफे का जो बाजू होता है ना साइड वाला, वो इन्होंने रेडी कर लिया, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह जी, ये देख सकते हैं आप, सोफे का डिज़ाइन रेडी हो गया है, अभी इसमें कुछ और सपोर्ट लगाना बाकी है। अभी इस सोफे को ये भाई वार्निश मारेगा, वार्निश मार के
बिल्कुल एकदम चमका देगा। ये देख रहे हैं, इस तरफ वार्निश मार दिया, फिर इसमें शाइनिंग आ जाएगी। ये सोफ़े को वार्निश की थी तो उसके बाद फिर जो है ना हाथ पे रगड़ सी महसूस होती थी, ऐसे हाथ मारते हैं ना तो वो रगड़ आती, लेकिन अभी इसको जो है सैंड पेपर मार रहे हैं। सैंड पेपर मारने के बाद एक बार फिर इसको वार्निश करेंगे। वार्निश करने के बाद फिर इसको एक बार थोड़ा सा हल्का सा पेपर मार देंगे और ये भी अपनी शाइनिंग में आ जाएगा।